हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखते हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? सपोज करो आप क्लास के मॉनिटर हो, ठीक है, तो आपकी टीचर आपके लिए क्लास में टेस्ट हुआ, बच्चों के जितने नंबर आए वो सब आप नोट डाउन करके मैम को सबमिट करो, ठीक है। तो सपोज करो जो टेस्ट था वो 25 मार्क्स का, ठीक है, किसी बच्चे के क्लास में 7 भी आए होंगे, किसी के 8 आए होंगे। तो ये हम एक रॉ डेटा बना रहे हैं जो हमको मिला क्लास में मार्क्स। आप भी सबसे पूछते हैं कि तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे कितने, भाई किसी के 7 आए, किसी के 8 आए, फिर एक बच्चे ने बोला 5, एक ने बोला 4, दूसरे ने भी बोला भाई मेरे 4 आए, फिर किसी के आए, ये तो बड़े कम नंबर हो गए, चलो आगे इन्हें थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक के 23 आए, फिर किसी ने बोला 25 एक और क्या है, ठीक है, फिर किसी के 10 आए, किसी के जो है 7 आए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये जो एंट्रीज है ना, ये जो इंफॉर्मेशन है, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको डेटा बोलेंगे। डेटा बेसिकली क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ होता है, ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डेटा बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। चलो अब रॉ डेटा क्या होती है, रॉ डेटा क्या होता है कि जैसे हमको डेटा मिला है उसको अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं ऐसे करके, तो ये क्या हो जाता है हमारा, इसको हम रॉ डेटा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब तुम टीचर को अगर ये सबमिट करोगे तो तुम्हारी मैम बोलेंगे कि बेटा ये कैसे तुम लेके आए हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो हम बाय डिफॉल्ट हमेशा यूजुअली हम इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में ही कोई भी एंट्री अपनी सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये डेटा हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं कि भाई देखो पहले 4 आए, फिर दूसरे के भी 4 आए, ठीक है, अगला एक बच्चे के 5 आ रहे हैं, फिर एक के 7, दूसरे के 7, तुमने ऐसे करके करा, ठीक है, फिर एक के 8 नंबर आए, फिर एक के 10 नंबर आए, फिर एक के 23 आए, फिर कितने आए 25 आए, ठीक, एक और बच्चे के 25 आ गए, ठीक है, क्लियर है। तो अब तुमने क्या करा है, इसको तुमने कुछ इसके ऊपर वर्किंग करके इसको स्टैटिकली जो है रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें तुम डील करते हो किसी भी रॉ डेटा को एक खूबसूरत वे में रिप्रेजेंट करने को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स, क्लियर, ठीक है। अब देखो अगर ये डेटा तुम्हारे पास बहुत बड़ा होता, इन चीजों को हम ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, क्लियर है, ये जो हमारे पास एंट्रीज आई है इनको हम ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, क्लियर है, कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन, जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हो देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलो अब अगर पूछा जाता है तुमसे कि तुम इसकी रेंज बताओ, ठीक है, तो यहाँ पे रेंज का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पास सबसे लोवेस्ट डेटा है और जो तुम्हारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है। देखो सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास 4 है, सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास 25 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में सारी वैल्यूज लाई कर रही है, तो हम क्या करेंगे रेंज के लिए, ये डिफरेंस होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे रेंज कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। चलो अब देखते हैं हम कि भाई मानो ये हमारे पास जो भी क्लास का डेटा है ये क्लास का ना हो के पूरे स्कूल का डेटा होता, तो भाई ये तो बहुत बड़ा डेटा हो जाता, इसको कैसे हम हैंडल करते, इसमें हम क्या कर देते हैं, तो हम अब जैसे मानो किसी के नंबर, भाई अब तो 1 से भी शुरू हो सकते हैं, किसी के 1, 2, 5, किसी के 68, किसी के 64, कुछ भी नंबर हो सकते थे, ठीक है, अगर तुम्हें पूरे स्कूल के चाहिए हो 1 से लेके 100 तक के बीच में, तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर है, अब तुम्हारे पास ये बड़ा क्या हो गया, एक वैल्यूज का सेट आ गया, ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐसे अरेंज करना तो काफी टफ हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे इसको क्लास इंटरवल में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते, कैसे, हम देखेंगे कि 0 से लेके 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, ठीक है, तो देखो एक बच्चे का 1 आया, दूसरे का 2 आया, किसी का 5 आया, तो देखो ये तीनों जो है 0 से लेके 10 के बीच में लाए करते हैं, ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं हम 3, क्लियर, ये क्या होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि आई गो टू मार्केट वेरी फ्रिक्वेंटली, मैं बहुत जल्दी जल्दी मार्केट जाता हूँ, ठीक है, कितनी दफा तुम कोई काम करते हो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 0 से लेके 10 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 60 से लेकर 70 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो इस
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, दो हो गई। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब देखो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है क्लास इंटरवल। ठीक है, ये बात भी समझ में है, 0 से 10 एक क्लास इंटरवल है, 60 to 70 दूसरा क्लास इंटरवल है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्लास मार्क क्या होता है। देखो क्लास मार्क होता है, जैसे 0 से 10 का हमें पूछता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्लास मार्क हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहां पे कैसे निकालेंगे, दोनों का सम करो, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट इसका, तो यहां पे क्लास मार्क 5 हो जाएगा। आगे समझ में ये वाली बात, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्लास साइज क्या होता है। तो देखो, अच्छा एक और बात विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम यहां पे बोलो कि यहां पे अगर मानते हैं, मानो कि जो मार्क्स है वो ऐसे हैं, 0 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 7, किसी का 9 और किसी का 10। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक के मार्क्स चाहिए, इस दोनों के बीच में चाहिए, तो तुमने ये लिया 1 2 3 4, 4 एंट्रीज हैं। ठीक है, लेकिन हम यहां पर ये जो इसका पहला वाला जो होता है, ठीक, इसको भी ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 भी ऐड होगा, लेकिन ये 10 ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो एक और एंट्री ले लो, वो है 0 की, तो ये कितनी होगी, यहाँ पे तुम्हारे पास 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 0 से लेके 10 के बीच में नंबर आ रहे हैं। ठीक है, हम उस बच्चे को नहीं काउंट करेंगे जिसके 10 नंबर आएंगे। ठीक है, ऐसी देखो 60 to 70 है, इसके बीच में हम क्या देखेंगे, हम उस बच्चे को भी काउंट करेंगे जिसके 60 मार्क्स आएंगे, लेकिन उसको नहीं काउंट करेंगे जिसके 70 आए होंगे। ठीक है, क्लियर आया समझ में। चलो अब हम देखते हैं कि क्लास साइज क्या होता है। देखो क्लास साइज होता है बच्चों कि इन दोनों का डिफरेंस, अगर हमें 0 से 10 का क्लास साइज चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10 - 0 ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास साइज कितना है, 10। यहाँ पे देखो 70 - 60 कितना है क्लास साइज, 60। ठीक है, क्लियर है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलो यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने देखो क्वेश्चन नंबर 1 भी तुम लोग को समझा दिया है इसी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बाकी की जो भी टॉपिक्स होंगे वो तुम्हारे क्वेश्चन कराती होंगी, वो कवर होते रहेंगे। चलो ये टेबल बनानी है, पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे आपके पास मार्क्स गिवन है, ये टैली मार्क्स है और ये कॉलम है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो देखो टैली का मतलब क्या होता है, टैली मार्क्स का इसका मतलब ये, जब आप एग्जाम में अपना पेपर देते हो तो मैम्स को चेक करके तुम लोग को कॉपीज वापस करती है, बोलती है ना बेटा अपने मार्क्स को टैली कर लो। टैली का मतलब होता है क्रॉस चेक कर लो, दोबारा से चेक कर लो कि कोई गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, तो जब हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज होती है तो हम उसको टैली करते हैं कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं करी है। अब देखो उसका तरीका क्या होता है, सपोज तुम्हारे पास कितने बच्चों के 3 नंबर आए इस क्लास में, 2 बच्चों के 3 नंबर आए। ठीक है, एक बच्चे का क्लास में 3 नंबर आए, एक और बच्चा उसका भी क्लास में 3 नंबर आए। ठीक है, तो यहां पर 3 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितने बच्चों के फ्रीक्वेंटली जो है वो 3 नंबर आए, 2 बच्चों के 3 नंबर आए। ठीक है, तुमने यहां 2 लिख दिया। ठीक, लेकिन इसे टैली मार्क्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 2। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, 5 जो है कितने बच्चों के आए, तो यहाँ पे 5 जो है वो 9 बच्चों के आए क्लास में मार्क्स, 5 5 5 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उस क्लास में 9 बच्चों के 5 नंबर आए। ठीक है, तो तुम फ्रीक्वेंसी में लिख दोगे 9, टेली मार्क्स में कैसे लिखोगे, 1 2 3 4। ठीक, 5 के लिए क्या करते हो, इसको एक क्रॉस कर दो, ये तुम्हारा 5 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते 6 7 8 9, आया समझ में। चलो अब देखते हैं क्लास में कितने बच्चों के 7 नंबर आए, तो क्लास में जो है 7 आपके 11 बच्चों के 7 नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उस क्लास में 7 बच्चे हैं जिनके 11 नंबर आए। ठीक है, तो
सात की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 11 होगी। अब तुम पहली मार्क्स में 11 कैसे लिखोगे, देखो 1 2 3 4 5 कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक, आगे बढ़ते, 6 7 8 9 10 कैसे लिखोगे, ऐसे। आगे समझ में, 5 और 5 10। ठीक, 11 1 ही बना दो, सिंपल है ना, आसान है। चलो अब हम देखते हैं क्लास में बच्चों के 9, कितने बच्चों के 9 नंबर आए। तो 4 बच्चों के 9 आए हैं, 1 2 3 4, तो लिख दो 4। 4 को टेली मार्क्स में कैसे लिखोगे, 1 2 3 4। ठीक, कितने बच्चों के 11 नंबर आए, 10 बच्चों के आए, तो लिखो 10। ये तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बच्चों के 11 नंबर आए, 10 कैसे लिखोगे, शुरू करो लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फ्रीक्वेंसी 10। ठीक है, चलो कितने बच्चों के 13 नंबर आए, 10 बच्चों के 13 नंबर आए, 10 कैसे टेली मार्क से जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, कितने बच्चों के 15 नंबर आए, तो 8 बच्चों के 15 नंबर आए, 8 को टेली मार्क्स में कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो है एक क्लास है, उसमें बच्चों के मार्क्स गिवन है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इन मार्क्स को अगर हम इसके ऊपर वर्कआउट कुछ करते हैं तो देखो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, कहीं 12 है कहीं 15 है कहीं कुछ है कहीं कुछ है। सबसे पहले इसको तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन यूजुअली असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे कम कौन से नंबर नजर आ रहे हैं यहाँ पर, सबसे छोटा नंबर 12 ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं हम 12 12, कितने 12 है, 2 12 टिक लगाते जाते हैं। ठीक है, 15 है उसके बाद, तो लिख दो 15। देन यू हैव क्या है, 20 है ना, 20 लिख दो। फिर उसके बाद कोई नंबर नजर आ रहा है 20 के बाद, 35 नजर आ रहा है, 35 एक यहाँ पे नजर आ गया, एक 35 ये नजर आ गया। ठीक है, फिर 36 नजर आ गया। ठीक है, फिर 37 कहीं नहीं आ रहा है, फिर आ रहा है 46। ठीक है, टुलिप नहीं अभी बचे हैं, ये क्या नजर आ रहा है, रुको, 44 नजर आ गया मुझे, 44। ठीक है, फिर 44 के बाद है 46। ठीक, फिर कौन सा है, 54 भी आ गया है ना, एक 54 इधर है, और कोई और नहीं और नजर आ रहा है, नहीं। अब 55 देखो, 55 यहां पर है, तो लिखो 55। फिर क्या है, बस है ना, 56 देखो, 56 ये है 56, 57, 57, फिर 57, लास्ट वाला 57। ठीक है, आगे बढ़ते, 57 का 58 कहीं नहीं, 58 आ गया, 58। ठीक है, फिर हो गया, अब आ जाओ 6 है ना, 58 हो गया, 59 कहीं नहीं है, 60 कहीं नहीं है, 61 62 63 67 है। ठीक है, लिख दो 67, फिर 67 और कहीं नहीं है, 68 68 68 68। ठीक है, और 69 कहीं नहीं है, 70 नहीं है, 70 70, फिर और कोई नजर आ रहा है, फिर चलो आगे बढ़ो, फिर है 78 है ना, 78। देखो इतने से उसमें कितने मुश्किल पड़ रहा है ना, 79 79, 2 79 है। ठीक, फिर 80 कहीं नहीं है, फिर तुम्हारे पास आता है 89 है ना, एक ही 89 हो गया, और एक और 89, एक और 89 आई होप कोई बस एंट्री हमसे छूट ना जाए, है ना। ठीक, अब 90 देखो, एक ही 90 है और एक ही वाला 90 है,
हमारे पास 94, ठीक है बच्चों, सही है। चलो अब जो है ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है, जो हमें इसको अरेंज करना है उसमें क्लास इंटरवल हमको चाहिए 5 से 20। पहला क्लास इंटरवल जो है मैं ऐसे करके अरेंज कर लेती हूँ, इसको देखो बना ना 90 90 94 ऐसे कर लेते। चलो रुको, यहाँ पे लिख दो क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा टैली मार्क्स और इधर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। याद रखना 90 90 94 है ना, हमने ये हम भूलेंगे नहीं जो हमने रेस करा है नीचे से, ठीक। चलो क्लास इंटरवल पहला, ये क्या कह रहे हैं, पहला क्लास इंटरवल होगा हमारा 5 to 20, ठीक है। 5 से 20 हमारा पहला क्लास इंटरवल होगा। तो देखो गैप कितना है इन दोनों में, जो क्लास साइज है इसका कितना है, 15 है ना। 5 में 15 ऐड करो तो 20 बनेगा। अब अगले में 20 में 15 ऐड करो कितना हो जाएगा, 35। फिर 35 में 15 ऐड करो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, 50। फिर 50 में ऐड करो 15 तो हो जाएगा 65। 65 में 15 ऐड करो हो जाएगा 80, ठीक है। 80 में 15 ऐड करो हो जाएगा 95, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहे हैं 5 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है, तो देखो 1 2 3। 20 को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 20 यहाँ पे इसकी अपर लिमिट है। लोअर लिमिट को काउंट करते हैं, 5 को काउंट करेंगे, जिस बच्चे के 5 नंबर होंगे उनको काउंट करेंगे, लेकिन जिसके 20 होंगे उसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 बच्चों के आए, तो टैली मार्क्स कैसे लिखोगे, 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब 20 से लेके 35 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है, 20 काउंट करोगे लेकिन 35 नहीं करोगे, तो एक बच्चे का यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे भी 1 लिखो, ठीक है। एक डंडा बनाओ, सॉरी ये एक नहीं एक डंडा है। 35 से 50 के बीच में 1 2 3 4 5 बच्चों के है ना, तो हम 5 लिखेंगे यहां, यहां कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 50 से 65 के बीच में तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 बच्चों का है, 5 ये और आएगा ही, रुको एक सेकेंड। 50 से 65 तक का पूछ रहा है ना, हमने कुछ एंट्रीज मिस करी, अच्छा है तो भाई 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चों के ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 65 से 80 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे 7 बच्चों के, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लिख दो 7। आगे 80 से 95 के बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों का है, ठीक है। कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 6 लिख दो यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। ये कह रहे हैं कि अगर पासिंग मार्क्स 35 है, ठीक है, बच्चा 35 पे पास हो रहा है, तो कितने बच्चे क्लास में फेल हुए। तो जिन बच्चों के 35 पे तो जस्ट पास है, 34 तक आए तो बच्चे फेल हो रहे हैं ना। तो देखो यहां तक अगर मैं बात करती हूँ तो 35 तो काउंट नहीं हो रहा है ना, कितने बच्चों के 34 तक है नंबर। तो देखो 3 और 1 कितने बच्चों के, 4 बच्चों के। यहाँ पे देखो 3 है, 5 से 20 3 बच्चे, एक बच्चे के 20 से 35 के बीच में, तो ये कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए। दैट मीन्स तुम्हारा एक आंसर हो गया 4। इसका मतलब इस क्लास में 4 बच्चे फेल हुए, ठीक। फिर कह रहा है 80% से ज्यादा बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखो 80% से कितने बच्चे जिनके 80% से ऊपर नंबर आए, तो 6 बच्चे, ठीक है। फिर ये कह रहा है विच क्लास इंटरवल हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा मार्क्स किस इंटरवल के बीच में है। तो देखो सबसे ज्यादा 8 बच्चे ऐसे जिनको 50 से 68 के बीच में नंबर मिले, तो यहाँ पर कौन सा इंटरवल है, वो 50 से 65 वाला इंटरवल है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक को काउंट नहीं करेंगे, तो इन सबको ऐड कर दो, 3 + 1 = 4 10 15 और ये तुम्हारा हो जाएगा 30 टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास तुम फ्रीक्वेंसी को सबको ऐड कर दो, तुम्हारे पास 30 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास 35 मैंगोज गिवन है, उनका वेट है ग्राम में,
ठीक है। तो तुमको इसको जो है एक ग्रुप वे में डेटा में इसको जो है हमें अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। तो देखो 30 है, 30 के बाद क्या आ रहा है हमारा 30, देखो कोई और है 30 का वाला, कहीं और 30 नहीं है, 32 है, तो लिख दो 32, ठीक। एक 32 हो गया, इसको टिक लगा दे जाते हैं, ठीक है। फिर अगला हो गया 40, ठीक है। अच्छा नहीं, 35 यहाँ पे मौजूद है, फिर 37 भी मौजूद है ना, तो लिख दो 35, 37, 34 भी है हमारे पास, एक और 35 है, लिख दो 34, फिर एक हमारे पास 35 है, फिर एक 37 है, ठीक है, 37 कहाँ है, हाँ 37 में मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या है, 40 है, तो लिख दो 40, ठीक। फिर कोई और है, फिर 42 है हमारे पास, 42 लिख दो। फिर वी हैव 45, 45 लिखो, एक और 45 मिल गया, 45, ठीक है। फिर 46 मिल गया हमको, 46 लिखो, ठीक है ना। फिर 43 भी है, 43 लिख दो। फिर 46 के बाद कौन सा नजर आ रहा है, कोई आ रहा है नजर, फिर 50 आ रहा है, ठीक है, होगा तो चलो बीच में लगा देंगे, है ना। 50 है, फिर 50 है, फिर 250, फिर कौन सा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है इधर, है ना। फिर 55, 52 है, एक 52 है, फिर 53, 53, दो 53 नजर आ गए, एक और 53 नजर आ गया, ठीक है। फिर कोई और से नजर आ रहा है, नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, 55 आ गया नजर, ठीक है। तो कोई इस लाइन में तो सारे हो गए, टिक लगाते चलेंगे ना तो सब पता चल जाएगा, 55 तो हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारे पास 55, ठीक है, चलो 56 तो कहीं नहीं है ना। अब आ जाओ 60 पर, 60 गए हैं, 60 नजर आ गया वहां पर, है ना। 58 है, 58 है, 59 है, 58 है, 59 है, ठीक। देखो बच्चों, इस डेटा को ना ऐसे करके अरेंज कर दिया है ना, 38, 32, 34, 35, दो दफा है, 37, ठीक है। मैंने ऐसे करके लिखे ताकि यहाँ पे तुम्हारे क्लास इंटरवल्स आ जाए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं तुम्हें क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल 50 to 55 है, ठीक है। तो देखो लेकिन सबसे छोटी एंट्री तुम्हें यहाँ पे 30 नजर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि 30 से शुरू हो रहा होगा, अगला कहाँ पहुंचेगा, 35 पे पहुंचेगा अगला क्लास इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट 35 से 40, अगला 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, इसको ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेते, रुको, फिर हो जाएगा 45 से 50, फिर 50 से बोलो 55, फिर 55 से 60, ये कह रहे हैं ना वन ऑफ देम इज इतना, ठीक है। एक ये है क्लास इंटरवल, इसीलिए हम लोग पांच पांच का क्लास साइज रख रहे हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा 75, फिर 75 से 80, ठीक है। बल्कि इसकी जरूरत नहीं, 80 वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी एंट्री में 74 नजर आ रही है, तो यहां तक तुम्हारे पास काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं टैली मार्क्स, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी 30 से 35 के बीच में, 1, 2, 3, 35 को काउंट मत करना, वो अगले वाले में लगेगा, क्योंकि देखो ये लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट, हम इसमें लोअर लिमिट को काउंट करते हैं 35, अपर लिमिट काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ, 1, 2, 3, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3, टैली मार्क्स 1, 2, 3, ठीक है। 35 से 40, 1, 2, 3, ठीक है, लिख दो 3, 1, 2, 3, 40 से 45 कितना हुआ, 1, 2, 3, लिखो 3, 1, 2, 3, ठीक। 45 से 50, 1, 2, 3, ये भी 3 है, बड़े 3-3 की वो बन रहे हैं, चलो। 50 से 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे हमारे पास 6 या 5 है, ज्यादा लिख लिया हमने, एक सेकंड रुको। 50 से 55, 1, 2, 3, 4, 5, ये शायद हमने एक में एक्स्ट्रा लिखा है बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 है, काउंट करो तो 5 ही आएंगे, हमने कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा लिख दिया था, लिख दो 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखो 55 से 60 में कितना आएगा,
ये आ रहा है तुम्हारा 55 से 60, 1 2 3 4, ये चार आ रहा है, ठीक है, तो लिख दो 4 1 2 3 4, ठीक है। अब 60 से 65 आएगा पहले, है ना, देखो 60 से 65 आएगा, सॉरी, अब फिर 65 से 70 आएगा, फिर 70 से 75 आएगा, ठीक है ना। अब 60 से 65 देखो जरा सा कितने, तो इसमें 60 आएगा, 1 2 3 4 5, 65 को काउंट मत करना, है ना, ये 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक। 65 से 70, 1 2, ये दो आएंगे, है ना, 70 वाले को काउंट नहीं करना, वो अगले वाले में लगेगा, इस वाले में लगेगा 70, दो। अब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना, तो लिख दो 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। चलो अब ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 40 to 45, इसका क्लास मार्क क्या है। तो देखो क्लास मार्क क्या होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट, तो हम इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 40 45 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 85 बाय 2, ये इसको डिवाइड करो निकलेगा 42.5, ठीक है, इसका ये क्लास मार्क हो जाएगा इस वाले इंटरवल का, ठीक है। चलो अब पूछ रहा है व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या है, तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे छोटी एंट्री है 30, सबसे बड़ी एंट्री है 74, तो 74 माइनस 30 कितना हो जाएगा 44, ये तुम्हारी रेंज आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है, रेंज का मतलब समझ में आ गया। चल अब ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, तो देखो अगर तुमसे काउंट करोगे ना, मैंने इरेज कर दिया सॉरी, तो ये 1 2 3, तो तुम्हारे पास ये 9 क्लासेस आती, 9 इंटरवल आते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला में क्या करोगे, इसकी रेंज कितनी आई थी 44, तो रेंज को तुम डिवाइड किससे करोगे, क्लास साइज से, ठीक। क्लास साइज कितना है यहाँ पर, 35 माइनस 30 कितना हो जाएगा 5, इसको 5 से डिवाइड कर दो रेंज को, ठीक, कितना आ रहा है 8.8 के करीब आएगा, ये किस होल नंबर के बराबर है, 8 के बराबर है 9 के, क्योंकि 9 के ज्यादा करीब है, तो देखो 9 आ गया, हमारा वैसे भी आंसर 9 है, फॉर्मूले में रख के भी आंसर 9 है, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।